मेरा नाम श्याम है। तो ये तुम्हारा समस्या है, तो नाम बदल डालो, उसमें गांव से इधर आने की क्या जरूरत है। हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन की एंट्री, अक्षय संग करेंगे स्क्रीन शेयर या फिर कर दिया रिप्लेस। अक्षय कुमार और उनकी फिल्म हेरा फेरी फैंस के दिल के बहुत करीब है। इसके दोनों ही पार्ट्स पर ऑडियंस ने खूब प्यार लुटाया था। हेरा फेरी 3 को लेकर भी कई दिनों से चर्चा हो रही है। फैंस बेसब्री से इस फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में ये भी खबर आई थी कि अक्षय कुमार अपनी फ्रेंचाइजी आवारा पागल दीवाना, वेलकम और हेरा फेरी तीनों ही फिल्मों की अगली किस्त पर जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने बीते महीने मेकर्स के साथ कई बार मीटिंग भी की है। लेकिन अब हेरा फेरी 3 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसमें कार्तिक आर्यन की एंट्री हो गई है। परेश रावल ने इसे कंफर्म किया है। ये बात बाहर आते ही सोशल मीडिया पर हैशटैग हेरा फेरी 3 ट्रेंड हो रहा है। परेश रावल ने ट्विटर पर एक फैंस के सवाल का जवाब दिया। फैंस ने सवाल पूछा था, परेश रावल सर, क्या ये सच है कि कार्तिक आर्यन हेरा फेरी 3 कर रहे हैं? दिग्गज एक्टर ने जवाब में लिखा, हाँ ये सच है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कार्तिक ने अक्षय कुमार को रिप्लेस किया है या फिर वो उनके साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। इस खबर के सामने आने के बाद अक्षय कुमार के फैंस परेशान हो गए। वो गुस्से में हैं और ये भी कह रहे हैं कि अक्षय के बिना हेरा फेरी 3 बेकार है। ट्विटर पर ट्वीट वायरल हो रहे हैं, खूब सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भूलभुलैया 2 में अक्षय कुमार की जगह ली थी। अक्षय की भूलभुलैया सुपरहिट मूवी थी। उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग्स, सब कुछ फैंस को बहुत पसंद आया था। लेकिन इसके दूसरे पार्ट में मेकर्स ने कार्तिक को कास्ट किया था। हेरा फेरी फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था, जबकि दूसरे पार्ट फिर हेरा फेरी का निर्देशन नीरज वोरा ने किया था। बताया जा रहा है कि इसके तीसरे पार्ट को फिर से प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करेंगे और फिरोज नडियाडवाला प्रोड्यूसर होंगे। पहली मूवी मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का हिंदी रीमेक थी। सीरीज में अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी और परेश रावल लीड रोल में थे। इनके किरदार राजू, श्याम और बाबूराव बेहद पॉपुलर हुए थे।